हमारी जगह बहुत जबरदस्त उत्सव होता है, कहते हैं किसी वक्त की किसी समय की दुआ अल्लाह कबूल कर लेते हैं। यकीन मानिए आया मैंने अल्लाह से सब चीज़ से दुआ मांगी कि अल्लाह पाक आप बारिश कर दो, बहुत तेज़ बारिश कर दो। और अच्छा 5-10 मिनट ही गुजरे थे कि फौरन अल्लाह पाक एकदम मौसम काली तरह से आ गई और एकदम बारिश तेज़ हो गई। मैं तो खुशी के मारे पागल सी हो गई और फौरन मैं छत पर आई नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बारिश में नहाने का बहुत ही शौक है। मुझे भी मतलब वो इतनी तेज़ बारिश हुई, जैसी बारिश हुई मैंने अल्लाह से दुआ मांगी अल्लाह पाक ने देखिए गाइस कितनी ज़बरदस्त धुंध छा रही है यहाँ पे, काली काली धुंध छा रही है यानी काली कटा छा रही है। और यहाँ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं मस्जिद के अंदर और यहाँ मैं अपनी बेटियों के साथ फुल इंजॉय कर रही हूँ। और बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। और मेरी बेटी लाइबा भी किचन में आज कुकिंग कर रही है, आज बल्कि मेरी बेटी लाइबा कुकिंग करेंगी, वो भी किचन में शाइना की पिज्जा कटलेट्स की वीडियो देखकर। अब ये पिज्जा कटलेट्स की वीडियो देख के इन्होंने सारा सामान तैयार कर लिया यहाँ पर और अरेंज कर चुकी है। ये आप देख सकते हैं तो आलू भी रखे हुए पिज्जा कटलेट्स के लिए, बाकी मैदा है, ब्रेड क्रम इनकी रह गई वो भी लाएंगे टेबल और निकाल के। ये अंडा है और ये चिकन है, ये बॉइल चिकन है और ये प्याज है और ये क्या है पिज्जा सॉस और ये ऑर्गेनो थाइम है, ये चाट मसाला है, ये नमक है, ये काली मिर्च है। अब ये ब्रेड क्रम लगा के फ्राई करते हुए आपको दिखाई, आज देखते हैं भाई लाइबा कैसा कैसी कुकिंग करती है, मेरी तरह करती है ये मुझसे अच्छी कुकिंग करती है। मैंने फ्रिज में रखी हुई है चीज पिघल जाएगी इसलिए मैंने फ्रिज में रखी हुई चीज। लाइबा अभी आप क्या कर रही है? मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। सो गाइज मम्मा जो है वो भी गई हुई हैं बारिश में नहाने के लिए छत पर। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा आप जाएँ जाके नहा लें और लाइबापी और मैं मिलके काम करते हैं। लाइबापी कुकिंग कर रही हूँ, मैं उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे लाइबापी सेकंड स्टेप कर रही हैं, जो वीडियो में मम्मा ने सब कुछ फ्राई वगैरह करते हुए दिखाया था वहाँ सामने मम्मा की यूट्यूब वीडियो चल रही है कटलेट्स वाली और यहाँ पर हो रही है कुकिंग। ये शिमला मिर्च है, इसके अंदर बारीक बारीक काट ली थी मैंने, बारीक इसलिए काटते ताकि टूटे ना कटलेट्स हमारे टूटे ना। तो गाइस जिस तरह किचन में शाइना ने अपनी वीडियो में बताया था कि हमें ये बारीक करके डालनी है, तो इसी तरह लाइबापी ने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब आई थिंक चिकन जाएगी है ना, अरे थोड़ा फ्राई हो जाए फिर। हम उसमें नमक डालेंगे, ठीक है, चाट मसाला पूरा डालेंगे, ठीक है, और काली मिर्च, भाई देखिए मैंने ये बना ली टिक्की बना ली, ठीक है। अब आपको पूरी रेसिपी इसकी चाहिए तो आप किचन में शाहिना में जाइएगा और लिखिएगा पिज्ज़ा कटलेट्स बाय शाहिना तो आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें अंडे में डिप कर रही हैं जैसे मम्मा ने किया था और अब ये जाएंगे ब्रेड क्रम्स में। अल्लाह इतना तो यम्मी बन रहे हैं, मेरे तो अभी से ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, माउथ वाटरिंग रेसिपी। अल्लाह लाइबा पी इतने मजे की लग रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा है। मैंने बनाई थी मैंने तो। हाँ जो बात है,
किचन में शाइना की रेसिपी से बनाए ये बोलो। सो गाइस अब आप वेट करें फाइनल व्यू का। तो ये देखिए सो गाइस ये जो है वो कटलेट्स रेडी हो गए हैं। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम देखेंगे हमारी मम्मा वाली चीज आई नहीं आई। कुकिंग कर लिया आज तुमने मेरी रेसिपी देख के बनाए पिज्जा कटलेट। अब मैं टेस्ट करूंगी, सबसे पहले बताऊंगी कि तुमने कैसे बनाया। फर्स्ट टाइम कुकिंग करी है लाइबा ने पिज्जा कटलेट की। वैसे तो करती रहती है, छोटी मोटी चीजें बनाती रहती है। आज जो है ना थोड़ी वो थी, बहुत मुश्किल थी, बहुत नर्वस थी, बहुत मेहनत वाली, लेकिन उन्होंने बना ली, ट्राई कर ली, मुझे तो लग रहा है अच्छी बनी हुई। मम्मा टेस्ट करके बताई ना। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसे। चलिए मम्मा अब आप टेस्ट करके बताएं कि इसमें आपका वाला टेस्ट है या फिर किचन विद लाइबा वाला टेस्ट है। चलिए मम्मा जल्दी से टेस्ट। सबसे पहले मैं ये तोड़ूंगी, मेरी रेसिपी बनी में बहुत गरम हो रहे हैं, जबरदस्त पिज्जा कटलेट्स बने हैं। देखिए कोशिश अच्छी थी फिर भी बहुत अच्छे बनाए हैं लाइबा ने। फर्स्ट टाइम कुकिंग करी है लेकिन बहुत अच्छी करी है, क्योंकि बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि बच्चे आइंदा फिर बना सकें, किचन में किचन का काम आसानी से कर सकें, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे बहुत अच्छे बने, देखने में तो बहुत मजे के लग रहे हैं। अब खा के टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत जबरदस्त, यम्मी, बहुत मजे के बनाए लाइबा। अब तो लग रहा है आज से किचन तुम ही संभालो मेरा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम मैं नहीं करती। देखो लाइबा ने अच्छी बना ली, लाइबा ये नहीं मैं नहीं करती, बोले भाई करेंगी लाइबा। अब इसी तरह भाई इसी को तो कहते हैं अपने बाबू को लाड़ी मारना।